गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 7 के हमारे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केवल 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं आज मैं आपको समझाऊंगा। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने भी हैं और इनको रिवाइज भी करना है। कम से कम 2 या 3 बार आप ये वीडियो देखें, जब जाके आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए बिना देर किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, इन विच किंगडम विल यू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म विच इज सिंगल सेल्ड, यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक। उस किंगडम का नाम बताना है जिसमें ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। आपका जो सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा, किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, केवल 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो आज हम आपको करवा रहे हैं। विच डिवीजन अमंग प्लांट्स हैज़ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब उस डिवीजन का नाम बताना है प्लांट किंगडम में जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, तो उसका नाम है डिवीजन थैलोफाइटा। प्लांट किंगडम में पता होगा सभी बच्चों को कितने पार्ट्स होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, है ना। तो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा हुआ प्लांट्स डिवीजन में, डिवीजन थैलोफाइटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज, लोएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, फाइलम, जीनस, स्पीसीज या फैमिली, तो जवाब क्या होगा, स्पीसीज। हायर की पढ़ी है आपने क्लासिफिकेशन की, तो उसमें लास्ट में क्या आता है, स्पीसीज, और सबसे ऊपर क्या रहता है, किंगडम। सबसे नीचे तो क्या होता है, स्पीसीज, और सबसे ऊपर क्या होता है बच्चों, सबसे ऊपर होते हैं किंगडम। क्या होता है, किंगडम, साम्राज्य। तो आपका सही जवाब क्या रहेगा, स्पीसीज रहेगा। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन किंगडम, मतलब जो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से किंगडम में पाई जाती है, प्रोटिस्टा, फंगी, मोनेरा, प्लांटे। तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों, मोनेरा। मोनेरा जो किंगडम है उसके अंदर सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर कैरेक्टराइज्ड ऑफ रेप्टाइल्स बट नॉट ऑफ एम्फीबियंस। फिर दोबारा से देख लीजिए कि Which of the following structures are characteristics of reptiles but not of amphibians? तो आपका सही जवाब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे scales, lungs, smooth moist skin या vertebral column। तो आपका जवाब होगा scales। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज characteristics ऑफ, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, पॉलीफेरा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, क्निडेरिया। इसमें आएगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें प्रेजेंट होते हैं, इकाइनोडर्मेटा में होते हैं बच्चों, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सक्लूसिव ब्रीड ऑफ आर्थ्रोपोडा, इनमें से कौन सा आर्थ्रोपोडा की विशेषता नहीं है, प्रेजेंस ऑफ विंग्स, जॉइंटेड अपेंडिजेस, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, प्रेजेंस ऑफ हीमोकोइल। तो मैं आपको बता दूं कि आर्थ्रोपोडा के विंग्स नहीं होते, क्या नहीं होते हैं, विंग्स। तो मतलब प्रेजेंस ऑफ विंग्स इज योर इनकरेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है बच्चों, पाइनस इज ए डैश प्लांट, पाइनस कौन सा प्लांट है, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटिक, एंजियोस्पर्म। तो पाइनस में क्या है, हम सीड्स को क्या कर सकते हैं, नेक्ट देख सकते हैं, डायरेक्ट हम सीड को देख सकते हैं, तो इसलिए ये क्या है, जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म्स हैं। तो पाइनस इज ए जिम्नोस्पर्म प्लांट जिसकी हम सीड्स आसानी से क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एबसेंट इज, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एबसेंट इज, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम्स, एल्गी या फिर यीस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड किस में नहीं होता, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता।
तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपर तरीके से बना नहीं होता है। तो पॉलीफेरा में आ गए, तो पॉलीफेरा में आ गए तो इसका मतलब यहाँ पे एग्जांपल क्या रहेगा आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर न्यूक्लियस क्या नहीं होता बच्चों, वेल डिफाइंड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे होंगे सभी बच्चे, विच इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग मैनी सेल्ड एनिमल्स। सिंपलेस्ट फॉलोइंग मैनी सेल्ड एनिमल्स, स्पंज, हाइड्रा, स्टारफिश, जेली फिश। तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों यहाँ पर, स्पंज। विच इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग मैनी सेल्ड एनिमल्स, मैनी सेल्ड का मतलब क्या, मल्टी सेलुलर एनिमल्स में आपसे सिंपल एनिमल के बारे में पूछा गया है, तो आप बताएंगे उसका नाम क्या है, स्पंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, विच वन इज़ नॉट ए फाइटलेस बर्ड। इनमें से कौन सी बर्ड फाइटलेस है, मतलब झगड़ा नहीं करती है, ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन, डव। तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों, डव। क्वेश्चन नंबर 12 देख पा रहे होंगे सभी बच्चे, विच फाइलम कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। किस फाइलम में ज़्यादा मात्रा में स्पीसीज पाई जाती हैं एनिमल्स, विच फाइलम कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, किस फाइलम में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं। तो भाई स्पंजेज, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेट्स। तो आपका जवाब क्या होगा, आर्थ्रोपोडा। और सबसे कम पूछा जाए तो आपका जवाब होगा क्या, मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा डू नॉट हैव, टेरिडोफाइटा में क्या नहीं होता, रूट, स्टेम, फ्लावर या लीव्स। तो टेरिडोफाइटा में फ्लावर्स नहीं होते, उनकी बॉडी को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं रूट, स्टेम और लीव्स में, लेकिन उनके फ्लावर्स नहीं होते। फ्लावर्स किस में आते हैं, फ्लावर्स किस में आएंगे, एंजियोस्पर्म में। हु इज़ नोन एज ए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, बहुत बार पूछा गया है, हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो लिनस, डार्विन, मेंडल, वाटसन। तो आपका जवाब क्या होगा, एलिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रेजेंस ऑफ डायफ्रागम इज़ द करैक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, प्रेजेंस ऑफ डायफ्रागम इज़ द करैक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल्स या पाइसेस। तो प्रेजेंस ऑफ डायफ्रागम, डायफ्रागम किस में प्रेजेंट होते हैं, मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद क्लासिफिकेशन इज नॉन एज, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद क्लासिफिकेशन इज नॉन एज, फिजियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, प्लेंटोलॉजी, माइकोलॉजी। तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों यहाँ पर, टैक्सोनॉमी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे सभी बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट अप्लाई टू फंगी। इनमें से कौन सी विशेषता फंगी के ऊपर अप्लाई नहीं होती, नॉन ग्रीन, सेप्रोफाइटिक या पैरासिटिक, ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक। तो आप कहेंगे ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसकी बात कर रहे हैं हम फंगी की। तो लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा क्राइटेरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं करता है, बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एबिलिटी टू प्रोड्यूस वंस ओन फूड, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलीज या हाइट टू द प्लांट। तो हम कहेंगे हाइट टू द प्लांट ये कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसके तहत हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कम से कम 2 या 3 बार मेरी वीडियो को देखें और इसको याद करने की कोशिश करें, रिवाइज करें, क्योंकि इनमें से काफ़ी जो क्वेश्चन हैं इतने इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी बच्चों, जय हिंद, जय भारत।